शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे गुट के सांसद विनायक राउत ने एकनाथ शिंदे गुट के विधायकों और सांसदों को लेकर एक सनसनीखेज दावा किया है। विनायक राउत के मुताबिक एकनाथ शिंदे गुट के 22 विधायक और 9 सांसद उनके संपर्क में हैं। उनका कहना है कि स्वास्थ्य मंत्री तानाजी सावंत, मंत्री शंभूराज देसाई और सांसद गजानंद कीर्तिकर समेत कई नेता संपर्क में हैं। विनायक राउत के मुताबिक मंत्री शंभूराज देसाई ने उद्धव ठाकरे को संदेश दिया था कि यहाँ हमारा दम घुट रहा है। उसके बाद गजानंद कीर्तिकर का बयान भी सामने आया। कीर्तिकर ने कहा था कि बीजेपी के लोग हमें तुच्छ समझते हैं। वहीं मंत्री तानाजी सावंत को बजट नहीं मिल रहा। विनायक राउत ने कहा, मंत्रियों समेत कई नेताओं ने उद्धव ठाकरे से संपर्क करना शुरू कर दिया है। कुछ ने तो हम में से कुछ से बात करना भी शुरू कर दिया है। विनायक राउत ने दावा किया कि एकनाथ शिंदे के साथ गए 22 विधायक और 9 सांसद अब हमारे संपर्क में हैं। हालांकि विनायक राउत के दावे पर शिंदे सरकार में मंत्री शंभूराज देसाई ने कहा कि विनायक राउत का ये बयान कि वो उद्धव ठाकरे के संपर्क में है पूरी तरह गलत है। शंभूराज देसाई ने विनायक राउत को चेतावनी देते हुए कहा कि विनायक राउत 2 दिन में अपने बयान वापस लें, वरना वो मानहानि का दावा पेश करेंगे। देसाई ने कहा कि हम पिछले साल विधान परिषद चुनाव के बाद सूरत गए थे, तब से लेकर आज तक मैंने उद्धव ठाकरे परिवार से आधे सेकंड के लिए भी बात नहीं की। शंभूराज देसाई ने कहा कि विनायक राउत द्वारा दिया गया बयान 1001% गलत है। हमने बयान दिया था कि महाविकास अघाड़ी के विधायक हमारे संपर्क में हैं। शायद इस बयान के जवाब में उन्होंने ये बात कही हो, लेकिन मेरे बारे में उन्हें अपना बयान वापस लेने के लिए 2 दिन का समय दे रहा हूँ। अगर बयान वापस नहीं लिया तो उसके बाद कानूनी कार्रवाई की जाएगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।